अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको फरज कुकिंग चैनल में खुशामदीद है। आज मैं पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बनाने के लिए जिन अज़ा को मैं लूँगी, आप नोट कर लें। मैंने 900 ग्राम फरफिल के लिए हैं, इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 1.5 पाउंड ग्राउंड चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन का कीमा ये तकरीबन 1.5 पाउंड मैंने लिया है। इसके साथ साथ 1.5 कप कैबेज ये काटी हुई है मैंने, 1.5 कप मैंने मिक्स वेजी जिसमें यहाँ कैरेट, कॉर्न, ग्रीन बीन्स के हैं और पीस के हैं, ये तकरीबन 1.5 कप है। ऑनियन में स्मॉल ऑनियन इसको चॉप किया ये इस्तेमाल करूँगी। पास्ता सॉस ये मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ साथ ये बेबी कॉर्न के हैं, इसको मैं काट के इसको भी, ये भी 1 कप आप ले सकते हैं। इसके साथ ये गुंची पोटैटो है, इसको भी मैं, ये तकरीबन 500 ग्राम के हैं तो मैं इनको इस्तेमाल करूंगी। स्पाइस में यहाँ मैं चिली सॉस, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चाइनीज साल्ट का इस्तेमाल करूंगी। आइए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह ये पास्ता बनाती हूँ। यहाँ तकरीबन मैं 2 टीस्पून ऑयल का डालूंगी। इसके साथ कटा हुआ 1 स्मॉल ऑनियन ये डाल दूंगी। 5 मिनट के बाद इसके अंदर मैं जिंजर और गार्लिक पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। पास्ता बॉईल हो रहा है। प्याज का कलर तब्दील हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पाउडर का डाल दूंगी। तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा डाल दिया मैंने। तकरीबन इसको 5-7 मिनट पकाने के बाद, भूनने के बाद मैं इसके अंदर वेजी के और पास्ता सॉस को ऐड कर दूंगी। मैंने फरफिल के साथ 1 कप मैंने फसली पास्ते के भी डाले थे, ये तकरीबन 1 कप मैंने इसको भी डाला है। अब मैं इसके अंदर कैबेज, मिक्स वेजी और काट के डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इनको इसी तरह भी डाल सकते हैं, मगर मैं इनको थोड़ा बहुत काट लूंगी। ये मैं गुंची पोटैटो के भी पैकेट को अंदर डाल दूंगी। अब तकरीबन 10 मिनट इसको पकाने के बाद मैं इसके अंदर पास्ता सॉस की डालूंगी। वेजी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर टीस्पून चाइनीज साल्ट, 2 टीस्पून सोया सॉस, तकरीबन 2 टीस्पून
टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून में चिली सॉस के डाल दूंगी। और साल्ट हसबे ज़रूरत में इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, यहाँ 1/2 टीस्पून इसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पास्ता सॉस के डाल दूँगी। इसके अंदर तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून वाइट पेपर या आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं पास्ता सॉस के डाल दूँगी, 1 कैन में इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 5 मिनट बाद मैं पास्ता अंदर डाल दूंगी। मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। पास्ता तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लास्ट में तकरीबन 200 ग्राम चीज़ के ऐड करूंगी। इस शर्ट की हुई चीज़ है, मैंने तकरीबन 200 ग्राम यूज़ की है। हीट को मैं बंद कर दूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी। हमारा पास्ता तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये पास्ता पसंद आएगा। अगर मेरी डिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।